यदि आपकी राशि मकर बनती है या फिर आपका जो लग्न है वो मकर बनता है और आपकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है, आप शादी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। इस वीडियो में आप शुरू से लेकर के अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहना और जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ इस उपाय को अच्छे से समझ लेना। यदि आप ये उपाय कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए आपकी शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव आएगा और आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। नमस्कार, मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एस घृत कौशिक में। मेरे पास इस प्रश्न को लेकर के बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आते रहते हैं, कमेंट भी आते हैं और पर्सनली रूप से भी जितने भी लोग मुझसे आकर के मिलते हैं लगभग उनका यही प्रश्न होता है कि सर हमारी शादी नहीं हो पा रही है, हम पिछले काफी समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप हमारी राशि के आधार पर जल्दी शादी होने के कुछ ऐसे उपाय बता दीजिए जिसके करने से शीघ्र हमें लाभ मिल सके। बहुत सारे माता पिता भी ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की शादी को लेकर के परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, उनका भी लगभग यही प्रश्न होता है कि शास्त्री जी हमें हमारे बच्चों की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर जल्दी शादी होने के कोई विशेष उपाय बता दीजिए ताकि जो प्रयास हम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिल जाए। तो आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से आपकी डिमांड के आधार पर ही मैं लेकर के आया हूँ। आपकी राशि के आधार पर जो भी जल्दी शादी होने का सटीक उपाय बनता है वो आपको बताने वाला हूँ। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूँ इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपकी जो राशि है वो मकर बनती है या फिर आपका जो लग्न है वो मकर बन रहा है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए मकर राशि वाले लड़के और लड़कियों के विवाह करवाने की जो जिम्मेवारी है वो कौन से ग्रह पर बन रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रह हमें प्रभावित करते हैं, प्रत्येक ग्रह के पास अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो ये विवाह करवाने का डिपार्टमेंट कौन से ग्रह पर बना हुआ है ये हमें पता होना चाहिए। जैसे ही हमें ये पता चलेगा तो उस ग्रह के निमित्त मंत्रों का जाप करके और कुछ दान पुण्य करके हम हमारी शादी का रास्ता खोल सकते हैं। मकर राशि वाले लड़के और लड़कियों की शादी कराने की जो जिम्मेवारी है वो बनती है चंद्रदेव पर। विवाह का विचार सप्तम भाव से किया जाता है और मकर राशि से जब हम 7 घर आगे जाएंगे तो आती है कर्क राशि और कर्क राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव, तो चंद्रमा पर ही विवाह करवाने की जिम्मेवारी होती है मकर राशि वाले लड़के और लड़कियों की। अब चंद्रदेव को हमें प्रसन्न करना है, कैसे करेंगे? चंद्रमा का एक मंत्र है, उस मंत्र का यदि जाप कर लिया जाए तो चंद्रदेव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। मंत्र कौन सा है? ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। यदि आपकी शादी में देरी चल रही है तो इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए, हर रोज 108 बार इस मंत्र को जपना शुरू कर दीजिए, एक माला हर रोज, आपकी शादी के रास्ते खुल जाएंगे, चंद्रदेव आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी शादी के रास्ते खोल देंगे। यदि बच्चे नहीं करना चाहते हैं, आप माता पिता हैं और आप करना चाहते हैं तो फिर अपने बच्चे का नाम बोल के, अपने बच्चे का गोत्र बोल करके इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं और मंत्र जाप पूरा होने के बाद मन ही मन में महसूस करना है कि इस मंत्र का जो शुभ फल है वो मेरे बेटा या मेरी बेटी को मिलना चाहिए। अब ये मंत्र तो आपने जरूर करना है, इस मंत्र के साथ साथ एक दो उपाय और भी आप कर सकते हैं। शंकर भगवान की पूजा आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। शंकर भगवान पर
दूध से करवाया गया अभिषेक आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि शंकर भगवान अपने मस्तक पर रखते हैं चंद्रमा को। जब शंकर भगवान की पूजा आप करेंगे तो चंद्रदेव अपने आप ही खुश हो जाएंगे और आपकी शादी के रास्ते खोल देंगे। तो सोमवार के दिन विशेष रूप से शिवलिंग का अभिषेक आपने दूध से करवाना चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय बनता है। सोमवार के दिन शिव चालीसा का पाठ आपने करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करने से भी आपकी शादी के रास्ते जल्द से जल्द खुलेंगे। तो जो मंत्र मैंने बताया उस मंत्र का जाप करके और शिवलिंग की पूजा करके आप अपनी शादी के रास्ते खोल सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो जल्द से जल्द आपकी शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव आएगा और आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कौन से ग्रह और नक्षत्रों की वजह से शादी में लगातार देरी चल रही है, जबकि भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है, आपकी जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी कराने के जो सटीक उपाय बनते हैं वो आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं, अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस पे करके आप हमसे सहायता ले सकते हैं। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, यदि आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर देना और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।